बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जब चंगेज़ ख़ान एक शहर फतह करता था, कत्लेआम करता था और फिर थोड़े से लोगों को जिनको जिंदा छोड़ता था उनको चारों तरफ कहता था कि बताओ दुनिया को कि मैं कितना जालिम और मैंने कितना जुल्म किया और मेरी कितनी दहशत है, उसके नतीजे से पहले से ही शहर हाथ खड़े कर देते थे लड़े बगैर। यहाँ भी आज वही हो रहा है। जुल्म की दास्तानें टीवी पे चलाई जा रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया और टीवी पे भी चल रही हैं। औरतों से कभी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ और ऐसी उनसे बेहुर्मती नहीं की गई जो आज हो रही है, लेकिन वो सबके सामने है। लोगों को सड़क पे खड़े हैं, उनको उतारते हैं, जेलों में डालते हैं, हर किस्म का खौफ फैलाया। किस लिए जा रहा है कि आवाम को बताएं कि हमारे सामने कोई खड़ा होगा तो उससे इस तरह का जुल्म किया जाएगा ताकि आवाम गुलाम बन जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ये है वक्त अपनी आज़ादी लेने का। हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। थोड़ी सी पुलिस है, हज़ार है, 70,000 है, 80,000 है, कितनी है? 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम है। जब अवाम ये फैसला कर ले कि हम ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, जब वो फैसला कर ले कि हमारा आइन हम इनको नहीं तोड़ने देंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया आज, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें अपने मुंतखब किए हुए नुमाइंदे चाहिए, हम किन्हीं चोरों के नीचे गुलामी नहीं करेंगे, जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया हम आज़ाद हो जाएंगे। आपने ये खौफ के बुत को तोड़ना है और जब भी अगली कॉल आए आपने पुरअमन तरीके से, कोई तोड़फोड़ नहीं, पुरअमन तरीके से अपने हकूक अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकला है। शुक्रिया।